सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 20 और 21 दिसंबर को हमारे 506 और 507 कोर्स का एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम हम लोगों ने दे दिया है बहुत ही अच्छे से, लेकिन एग्ज़ाम के बाद हम लोगों को उत्सुकता रहती है अपने आंसर को मिलाने की। इससे पहले की वीडियो में मैंने 506 कोर्स के सारे 100% सही आंसर आप लोगों को बता दिए थे, वो वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोर्स 507 का ऑब्जेक्टिव आंसर का जो सही उत्तर है वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और विश्लेषण के साथ। तो बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है जो सेट बी का है। इससे पहले भी हम लोगों ने सेट बी का क्वेश्चन ही लिया था। बी, सी और ए जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो लगभग सेम होते हैं, सिर्फ एक या दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं, लेकिन उसमें 80% क्वेश्चन जो है वो मैच करते हैं। यहाँ पर मैंने बी लिया है सेट, और ये जो स्टेट है वो बिहार का है। यहाँ पर मैं आप लोग को क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ क्या इसमें सही है और क्या गलत है। सबसे पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। CRC के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निकटतम अधिकार नहीं है? यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये CRC जो हम लोगों के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर होते हैं, वो CRC के बारे में बात नहीं हो रही है। ये एक संयुक्त राष्ट्र संधि है जो बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे को ही सुरक्षा देने के लिए ये बनाया गया है, ताकि उनके अधिकारों का हनन ना हो। इसमें पहला ऑप्शन जब आप देखेंगे, भेदभाव और दंड संबंधी मुद्दे, ये दोस्तों सुरक्षा का अधिकार से संबंधित है, बच्चों के साथ भेदभाव के अधिकार से संबंधित है जो इसका अधिकार आता है। उसके बाद बी ऑप्शन है अपराधी विषयों में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, ये भी बच्चों के अधिकार से संबंधित है। जब सी हम देखते हैं स्वास्थ्य और अन्य आर्थिक अधिकारों का अधिकार, तो इसमें दोस्तों ये बच्चों के अधिकारों से इसे कोई लेना देना नहीं है, जो इसका सही आंसर है। यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि स्वास्थ्य और अन्य आर्थिक अधिकारों का अधिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता RTE एक्ट 2009 की नहीं है? दोस्तों, RTE एक्ट के बारे में हम सभी जानते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू है। जब उसके बारे में हम लोग उसका पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसमें चार पॉइंट में से कोई एक पॉइंट ऐसा है जो इसमें नहीं आता है। इसमें ऑप्शन बी और डी, सभी को क्लियर है कि ये बी और डी में से कोई भी नहीं है, लेकिन जब ए और सी जब हम लोग देखते हैं तो दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं। पहले ऑप्शन हम लोग देख लें ए के बारे में। अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के अंदर राज्य आसपास में विद्यालय प्रदान करेगा। जब 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे राज्य में, पूरे देश भर के राज्य में सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये लागू किया गया, तो उसमें ये कहा गया था कि जैसे ये लागू हो तो हर राज्य अपने आसपास विद्यालय निर्माण करे और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना शुरू कर दे, ये इसके अधिकार में था। दूसरा अधिकार ये है, निजी विद्यालय गरीब परिवार के 25% बच्चों को अपने विद्यालय में प्रवेश देंगे। ये बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन आज भी दोस्तों प्राइवेट स्कूल में 25% रिजर्वेशन है, वो गरीब तबके के लोगों का। अगर कोई विद्यालय ऐसा करने से मना करता है तो उसका यूडाइस कोड, जो विद्यालय का कोड होता है, वो उसका रद्द किया जा सकता है, विद्यालय के मान्यता को रद्द किया जा सकता है और उसे दंडित भी किया जा सकता है। तो ये प्राइवेट स्कूल में 25% रिजर्वेशन है बच्चों का, जो RTE एक्ट 2009 के अनुसार है। ऑप्शन सी पे हम आते हैं, प्राथमिक विद्यालय में प्रति 40 बच्चों के लिए शिक्षक का प्रावधान। इसी में दोस्तों समझने में बहुत सारे लोगों को फिर हो गया है। जब आप पढ़ेंगे RTE एक्ट 2009, तो उसमें 40 बच्चों पे एक शिक्षक नहीं है दोस्तों। जब शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है वो प्राथमिक में अलग है और माध्यमिक में अलग है। दोस्तों, जो प्राइमरी लेवल पे है टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो, वो है 30:1, यानी 30 पे एक है, 30 छात्र पे एक शिक्षक का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल में 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक का प्रावधान है, जबकि यहाँ पे 40 बच्चों के लिए शिक्षक का प्रावधान लिखा गया है, जो आंसर गलत है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी होगा। कुछ लोगों ने इसमें ए भी लगाया है, तो ये इसका सही आंसर है।
40 बच्चों के लिए नहीं है दोस्तों प्राथमिक विद्यालय में, बल्कि 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक का प्रावधान है। अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। समुदाय को समझने के लिए क्रियाकलापों की निम्नलिखित सूचियाँ दी गई हैं, एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार क्रियाकलाप को नहीं करेंगे। यहाँ पे चार क्रियाकलाप दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक शिक्षक के रूप में कौन सा क्रियाकलाप नहीं करेंगे। ऑप्शन ए है स्थानीय संस्कृति और भाषा के प्रति संवेदनशील होना, ये जरूरी है सभी शिक्षकों के लिए, स्थानीय संस्कृति और भाषा के प्रति हमेशा संवेदनशील रहना चाहिए। ऑप्शन बी है सामाजिक उत्सवों और घटनाओं से अलग रहना, ये एक क्रियाकलाप है जो हम लोगों को जरूरी है, यहाँ पे हम लोग इसे नकार नहीं सकते हैं, बल्कि सामाजिक उत्सव और घटनाओं में हम लोग को शामिल होना है और होना भी चाहिए, तो इस हिसाब से ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी सामाजिक उत्सवों और घटनाओं से अलग रहना, ये क्रियाकलाप हमें करना है, जो यहाँ पे सवाल में लिखा था कि क्रियाकलाप को नहीं करेंगे, ये क्रियाकलाप नहीं करेंगे तो आप एक शिक्षक के रूप में सफल घोषित नहीं हो पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में विविधता के कारकों को नहीं दर्शाता है। इसमें दोस्तों ए बी और सी तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। हमारे भारत में विविधता के कारण है जातियाँ प्रजातियाँ भाषाएँ, ये सही है। धर्म भाषा संस्कृति ये भी सही है। और समुदाय प्रजाति और संस्कृति, ये जो तीनों समूह हैं ये सब के सब सही है। लेकिन जब हम ऑप्शन डी में देखते हैं तो धर्म तो सही है दोस्तों, संस्कृति भी सही है, लेकिन इसमें एक और मिला दिया गया है उपलब्धि अचीवमेंट, जो धर्म में भारत में विविधता के कारक में से शामिल नहीं है। यानी धर्म और संस्कृति सही है, उपलब्धि इसमें शामिल नहीं है, ये इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं पांचवें सवाल में, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्थान शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है सामाजिक संस्थान शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। जब हम देखेंगे धर्म, अर्थव्यवस्था और अभिवृत्ति, तो ये सामाजिक संस्थान में नहीं आते हैं और ये धर्म को पूरी तरह प्रभावित नहीं करते हैं। यहाँ पर शिक्षा को प्रभावित करने वाला सामाजिक संस्थान पूछा जा रहा है, धर्म और अर्थव्यवस्था जो है वो सामाजिक संस्थान में शायद नहीं आता है। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है परिवार, जो सामाजिक संस्थान है और शिक्षा प्रणाली को प्रभावित भी करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए परिवार। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा NCPCR का कार्य नहीं है। यहाँ पर दोस्तों NCPCR जो है वो एक संगठन है, एक NGO टाइप का है, जो राष्ट्रीय स्तर पर बालकों के अधिकार का सुरक्षा के लिए बनाया गया दोस्तों, कि ताकि उनके सुरक्षा का अधिकार बनाए रखें और उनके अधिकारों का हनन ना हो। एक होता है NCPCR जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, और एक होता है SCPCR, S फॉर स्टेट N फॉर नेशनल, यानी एक नेशनल लेवल पे होता है और एक स्टेट लेवल पे होता है। दोनों जो हैं वो बालकों के अधिकार के लिए बनाए गए हैं। जब यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी में है शिक्षा के लिए बाल अधिकारों की मॉनिटरिंग, ये इसका कार्य है। सी में है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बाल अधिकारों संबंधी शिकायतों की जाँच करना, यह भी इसका कार्य है। विद्यालय में भेदभाव और शारीरिक दंड को रोकने के लिए उपायों की संस्तुति करना, यह भी इसका कार्य है। बी सी और डी जो तीनों दोस्तों है वो NCPCR का एक कार्य है, लेकिन जब विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम की मॉनिटरिंग की बात आती है तो ये इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये NCPCR सिर्फ बालकों के अधिकार के लिए बनाया गया है, इसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उसके पाठ्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। ये इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ, सातवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यालय नेता के आकस्मिक नेतृत्व कार्य का नहीं है। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यालय नेता के आकस्मिक नेतृत्व का कार्य नहीं है। दूसरों को प्रेरित करना एक नेतृत्व का कार्य है। कक्षा कक्ष में ICT के उपयोग की क्षमता, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। समावेशी कक्षा कक्षों की देखरेख करना और निर्देशों की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। दोस्तों यहाँ पे ए और डी तो कन्फर्म है कि नहीं होगा, अब बी और सी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, जिसमें थोड़ा सा गहन अध्ययन की जांच है। लेकिन मैंने जो यहाँ पे आंसर सही लगाया है वो है कक्षा कक्ष में ICT के उपयोग की क्षमता। यहाँ पे इसका मेरे हिसाब से बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसका बी आंसर नहीं है तो आप नीचे कमेंट में बताएं और हम लोग इसका डिस्कस करके इसका आंसर देख लें, क्योंकि दोस्तों अगर बड़े बड़े लोगों से भी पूछेंगे, विद्वान से भी, तो सबका सही सही आंसर दे पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं
और लगता है कि बहुत सारे इसके जो तीन चार ऑप्शन दिए रहते हैं, लगता है कि चारों का चारों ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें ज़्यादातर उम्मीद तक कक्षा कक्ष में आईसीटी के उपयोग की क्षमता, ये इसका राइट आंसर है। अब आते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनसीटीई का नहीं है, एनसीटीई का कार्य नहीं है? दोस्तों ऑप्शन बी देख ले सबसे पहले। देश में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग, ये एनसीटीई करता है। नवाचारी शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं का विकास, ये भी एनसीटीई करता है। विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षण में कार्यरत व्यक्तियों का प्रशिक्षण, ये भी करता है। और ऑप्शन ए में जो थोड़ा सा दोस्तों है वो है विनिमय और रख रखाव। हालांकि यहाँ पे शिक्षक शिक्षा का मानदंड और मानक उसी के द्वारा तय किया जाता है, एनसीटी के द्वारा, लेकिन उसके विनिमय और रख रखाव ये उसके द्वारा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, शिक्षा शिक्षक में मानदंडों और मानकों का विनियमन यहाँ पे नहीं किया जाता है, बल्कि हाँ मानक का और मानदंड तय किए जाते हैं, लेकिन विनियमन और रख रखाव वहाँ पे एनसीटीई के द्वारा नहीं किया जाता है। अब आते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की एक प्रकृति नहीं है? ऑप्शन ए लक्ष्य उन्मुखी और सार्वभौम, बी कला और विज्ञान दोनों, सी व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया दोनों, और वास्तविक और दृढ़ प्रक्रिया दोनों। दोस्तों इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसका सीधा आंसर है ऑप्शन डी, और लगभग लगभग इसके सही आंसर सभी लोगों ने बना दिया है। अब आते हैं ऑप्शन डी दसवें सवाल की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन के अंगों का सही क्रम है? जब प्रबंधन की बात करते हैं तो उसमें चार पांच क्रम, चार क्रम होते हैं, उसका सही क्रम यहाँ पे लगाना है दोस्तों, जिसमें ऑप्शन ए और डी दोनों सेम सेम लग रहा है दोस्तों, बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। रणनीति निर्माण, रणनीति विश्लेषण ऑप्शन ए में भी है, डी में भी है, रणनीति निर्माण रणनीति विश्लेषण इसमें भी है। लेकिन जब दोस्तों हम लोग क्रियान्वयन और मूल्यांकन है, इसमें देखिए रणनीति मूल्यांकन और क्रियान्वयन, इसमें क्रियान्वयन बाद में है और मूल्यांकन पहले है, जबकि ऑप्शन डी में क्रियान्वयन पहले है और मूल्यांकन बाद में है। दोस्तों जब भी हम किसी काम को करते हैं तो आखिरी काम मूल्यांकन होता है, इससे भी ये क्लियर हो जाएगा। क्रियान्वयन के बाद मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन के बाद क्रियान्वयन नहीं होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, जब हम लोग रणनीति बनाएंगे तो सबसे पहले प्रबंधन के लिए रणनीति बनता है, उसके बाद रणनीति विश्लेषण होता है, उसके बाद रणनीति क्रियान्वयन, उसके बाद रणनीति मूल्यांकन। यहाँ पे दोस्तों ये जो थोड़ा सा स्क्वायर के अंदर में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे पीडीएफ फाइल जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने 10 प्रश्न का उत्तर दे दिया, इसके पहले हम लोगों ने 506 के 10 आंसर बताए थे और वो भी पूरा 100% सही आंसर के साथ। आप अपने आंसर को मिला लें और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना आंसर सही हुआ था और कितना आंसर गलत हुआ था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। धन्यवाद।